हेलो मेरे टेक के लवर्स, मैं रिंकेश पाठक रिलाइव से आज आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। हमारे पास 2141 का मैकबुक है जो कि EFI लॉक है, आप देख सकते हो। इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस हैं, 2141 जो मॉडल नंबर था मैंने बताया आपको, तो इंटरनेट पे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें ये दिखाते हैं कि EFI लॉक में हम DFU में डाल के इसको बाईपास कर सकते हैं, बट वो सारी फेक हैं क्योंकि जब EFI लॉक होगा तो आपका मैकबुक कभी भी DFU में नहीं जाएगा। अगर जाएगा भी तो हार्ड डिस्क वगैरह निकाल के तो ही हो पाएगा। और हम इसको फिक्स करेंगे, यू फिक्स बॉक्स है ये जो, इससे हम इसको फिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने उसका बायोस निकाल लिया है और मैं इसको अब प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। अगर होगा तो मैं यूफिक्स बॉक्स को कैसे यूज़ करते हैं उसके ऊपर भी मैं एक इजी वीडियो बना दूंगा हिंदी लैंग्वेज में ही, क्योंकि इसके ऊपर कोई हिंदी वीडियो नहीं है इसलिए। तो अभी आप प्रोसेस देख लीजिए खाली कि मैं कैसे कर रहा हूँ। एक्चुअली में हम इसको जो इसकी बायोस है उसके अंदर से जो सिक्योरिटी है उसको एक दूसरी फाइल डाल के और हम उसको रिमूव कर देंगे। ओके, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि इसमें इरेजिंग चिप लिखा हुआ आ रहा है, मतलब इसका ओल्ड जो सिक्योरिटी है वो इरेज हो रहा है। और इसके बाद ये ऑटोमेटिक ही वो एरिया को इरेज करेगा। ऐसे पहले हमें दूसरे बॉक्सों के थ्रू क्या होता था कि पर्टिकुलर एरिया सिलेक्ट करके सिक्योरिटी इरेज करनी पड़ती थी, उसमें बहुत बार बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, और ये ऑटोमेटिक ही वहाँ पे नया फाइल राइट करता है उस एरिया में। हम इसके ऊपर डिटेल वीडियो भी नेक्स्ट बनाएंगे, जब भी हमें टाइम मिलेगा हम इसके ऊपर एकदम डिटेल वीडियो बनाएंगे कि आप कोई भी बॉक्स से कैसे कर सकते हो। तो अब हमारा जो बायोस है वो प्रोग्राम हो चुका है, तो हम इसको लगा देंगे और आगे का प्रोसेस हम देखते हैं कि कैसे होता है। थैंक यू। दो मैकबुक चाहिए रहेगा, एक जिसमें EFI लॉक था और एक अनलॉक मैकबुक चाहिए जिसके थ्रू हम इसको DFU में डाल के रिस्टोर करेंगे। तो पहले इसके लेफ्ट साइड के फर्स्ट पोर्ट में लगाना है और ये केबल जो है इसको इस लॉक मैकबुक के सेकंड पोर्ट में लगाना है। और अगर आपके मैकबुक की बैटरी लो हो तो एक पावर का भी आप लगा सकते हो, जो चार्जर है 96 वाट का। अब हम यहाँ पे जाएंगे लॉन्च पैड में, इसमें एप्पल कॉन्फ़िगरेटर करके है, इसको ओपन करेंगे। और अब लेफ्ट साइड का कंट्रोल ऑप्शन और राइट साइड का स्विफ्ट और पावर, जैसे कि हमारा यहाँ डिवाइस DFU में आ गया है, DFU लिखा हुआ है, हम डबल क्लिक करेंगे, ये इधर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ रिस्टोर का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। अब ये रिस्टोर होना स्टार्ट होगा। यहाँ पे लॉक स्क्रीन आ गया, मीन्स कि अभी इसमें OS इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो अपन देखते हैं OS कैसे इंस्टॉल होगा। तो यहाँ कमांड R पावर की, मतलब अभी इसमें OS नहीं है तो हमें OS इंस्टॉल करना पड़ेगा। देख लो आप ऐसा आ गया, अभी यहाँ पे जाके वाईफाई कनेक्ट कराएंगे।
तो आप लोग जैसे देख रहे हो इसके अंदर कि हमारा पूरा फ्लैश हो चुका है, मैकबुक और ओएस भी हो गया, रिस्टोर भी हो गया सारा। तो हमें इसका सेटअप करना पड़ेगा, जैसे कि वाईफाई फिर से डालना पड़ेगा, बिकॉज़ जब ओएस इसमें रन होता है तो इसकी सारी मेमोरी क्लीन हो जाती है, तो इसको पासवर्ड याद नहीं रहता है। तो आपको जो भी इसका कंप्यूटर अकाउंट क्रिएट करना है वो आप कर लो। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इसको और शेयर कीजिए। और हाँ, एक बात ये है कि अगर आपको इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट में आप कमेंट कीजिए, हम इसके ऊपर टोटली डिटेल्ड वीडियो आपको बना के देंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। देख सकते हो आप, हमारा कंप्यूटर पूरा चालू हो चुका है।